हिमाचल प्रदेश के चंबा में गुरुवार को हुए स्कूली बच्चों को ले जा रहे जीप हादसे में एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। 5 साल के मासूम ने कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में आधी रात को अंतिम सांस ली। अब तक हादसे में कुल 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर समेत 7 बच्चे घायल हैं। जानकारी के अनुसार एक बच्चे को गुरुवार आधी रात को चंबा मेडिकल कॉलेज से टांडा भेजा गया। फिलहाल टांडा में ड्राइवर समेत 4 अन्य बच्चों का इलाज चल रहा है। टांडा में घायलों में 5 साल की उमंग की मौत हुई है, जबकि 8 साल का अथर्व, 9 साल के सात्विक और 6 साल की आराध्या और ड्राइवर भर्ती हैं। यहां उपचाराधीन तमाम बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है। चंबा के डीएसपी अभिमन्यु ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है।